17 लोग जो मेरे साथ आए हैं कैंसर से मर गए जी। 17 लोग जो आपके साथ आए थे वो मर चुके हैं। सारे रिपोर्ट सामान्य आए हैं। आपके रक्तकण की संख्या बढ़ गया करके उन्होंने बताया। कैंसर से ठीक हुआ जी। यीशु ने मुझे कैंसर से छुटकारा दिया। कैंसर है ही नहीं करके बताए। मुझे कैंसर है करके बताया। डॉक्टर ने कहा कि मैं मर जाऊंगा। पेट में गांठ नहीं है करके बताया ना। हालेलुया। मुझे गुर्दे का समस्या था पास्टर जी। प्रार्थना तेल का उपयोग करने के बाद उससे मुझे छुटकारा मिला। मेरे दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए सब कुछ तैयार किया लेकिन यीशु ने मुझे नए गुर्दे दिए। मेरे लिवर का समस्या सामान्य आया जी। लिवर की समस्या थी, संपूर्ण रीति से चंगाई हुआ। लिवर पूरी तरह से ठीक होकर सही आकार में है। हृदय में पानी कम हो गया, हृदय बढ़ने का समस्या भी कम होकर सामान्य रिपोर्ट आया जी। आपके हृदय के तीनों ब्लॉक्स कब गए? पिछले बार मैं अस्पताल को गया था पास्टर जी, उन्होंने सारे जांच करवाए और एंजियोग्रामी करवाए, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है करके बताया है। जहाँ पे पछली नहीं था अभी आके उस स्थान में पहुँच गए करके डॉक्टरों ने बताए। मेरे बेटे को चलना फिरना सिखाया। पहले ये बातें नहीं कर पाता था, अभी अच्छे से बातें कर पा रहा है। क्या बात है, हालेलुया। डॉक्टरों ने कहा गर्भाशय में पिंड ही नहीं है, पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा खाली गर्भाशय में यीशु ने एक पिंड को निर्माण किया। मेरी शादी होके 29 साल के बाद बेटा हुआ। 27 साल के बाद लड़का है लड़की? बेटा। वाओ, 27 इयर्स, हालेलुया। मीना जी, गवाही बताइए। पास्टर जी, दरअसल मुझे नसों की कमजोरी की वजह से मेरे कान में हमेशा कुछ आवाज की तरह सुनाई देता है जी। दरअसल इस समस्या की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ जी, और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। इस वजह से मुझे अच्छे अंक नहीं मिलते थे और ये समस्या 7वीं कक्षा से है। पिछले हफ्ते से यह समस्या और भी बढ़ गया, इसलिए डॉक्टरों ने मशीन रखने के लिए कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि दोनों कानों में मुझे मशीन लगाना पड़ेगा, जैसे कोई आंखों में चश्मा लगाता हो। मैं बहुत डर गई थी जी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे ये मशीन हमेशा के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने तो दिमाग में ये सोच भी लिया कि मैं हमेशा के लिए इसको इस्तेमाल करूंगी। मैंने ये निश्चय कर लिया था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत कमजोर हो गई थी। ये निर्णय मैंने सोच के लिया था, पर यीशु ने मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचा, उन्हें मुझे चंगाई देना था। दरअसल ये समस्या मुझे दोनों कानों में है जी, पर अब दाहिने कान में मुझे वो समस्या नहीं है जी। बाएं कान में थोड़ा है, पर दाहिने कान में पूरा चंगाई मिला जी। ये चंगाई केवल महान यीशु ने दिया मुझे। मैं तो इतना खुश हो गई थी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने विश्वास से ये प्रवचन किया कि आज ही मेरा छुटकारा का दिन है और मेरा बाएं कान में भी मुझे ये चंगाई मिलेगा। कान पे हाथ लगाइए। यीशु जी इन्हें उस दर्द से चंगाई दीजिए, चंगा कीजिए, उस समस्या से अभी चंगाई कीजिए। उस कान के पर्दे को छूइए, पवित्र आत्मा इस समस्या से चंगाई दीजिए। उस बाएं कान को फिर से आप बनाइए यीशु जी, फिर से निर्माण कीजिए। अभी उस कान के पर्दे को स्वतंत्र कीजिए। धन्यवाद करता हूं आप उसे चंगा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके शरीर में अभी काम कर रहा है, इनके शरीर में अभी वो पूरी तरह से काम कर रहा है। सामर्थ्य इनके शरीर में भर दीजिए, सामर्थ्य इनके कान के पर्दे में भर दीजिए। पवित्र आत्मा अभी उस कान के पर्दे को फिर से पुनर्स्थापना करे, अभी उसे पूरी तरह से चंगाई दीजिए। हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, आपने चंगाई दिया है। नासरी यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अभी देख लीजिए, मेरी बेटी समस्या से बहुत अभी आप जांच लीजिए पास्टर जी। अभी सुनाई दे रहा है। क्या जी? हुआ? सुनाई दे रहा है। हालेलुया। I now bring greetings to all the viewers in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मैं सारे दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। What a wonderful time that we are meditating on the word of God. और ये कितना अच्छा समय है कि परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके वचन का मनन हम लोग कर रहे हैं। This is the creator's solution for the creation. और सृष्टि के लिए जो है ये एक छुटकारे का संदेश भी जो हो सकता है। Maybe there are problems where you thought this cannot be solved in this creation. और आप लोग जो है इस सृष्टि की रचना में, इस सृष्टि में सोच सकते हैं कि कुछ कुछ समस्याओं को जो हम लोग सुलझाए नहीं जा सकते हैं। But the God Almighty who has created this can solve this problem. लेकिन परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की जो रचना किया है
वो जो है इनको सुलझा सकता है. He is the manufacturer. क्योंकि वो जो है निर्माता है. He knows the roots. वो जो है उसकी जड़ को जानता है. So he can restore you from the roots. और वो जो है जड़ से जो है आपका पुनर्स्थापना कर सकता है. When Adam fell from the Garden of Eden. जब अदन की वाटिका में आदम पाप में गिर गया. And then he lost his glory that God has given to Adam. और उसने जो उसकी महिमा को खो दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी महिमा को फिर से लौटा दिया. But when God restored Adam back his glory, जब परमेश्वर ने आदम को उसकी महिमा में वापस लौटाया, he did not restore him back the same glory. लेकिन उसी महिमा के साथ जो है उसको नहीं लौटाया. God wants the fallen mankind to be restored into the glory of his son Jesus Christ. परमेश्वर चाहता है कि जो मानव जाति नीचे गिर चुका है वो यीशु मसीह की महिमा में जो है बढ़कर फिर से उठे. So now you thought that you are fallen from a nice place or maybe you lost money, you lost your health and now you are in despair. और आप लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति नीचे गिर चुकी है, आप जो है बीमारी में गिर चुके हैं और आप ऐसे परिस्थिति में है कि क्या करना है क्या नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Because our God is a creator. लेकिन परमेश्वर जो है वो सृष्टिकर्ता है. He is almighty. वो सर्वशक्तिमान है. He can not only restore you back to that normal health. वो जो है आपके सामान्य परिस्थिति में आपकी बीमारी को जो है फिर से पुनर्स्थापना कर सकता है. But he will even give you even more health than before. और आपके पहले का जो स्वस्थ में जीवन था उससे बढ़कर आपको स्वस्थ कर सकता है. When Adam had a glory, जब आदम के पास महिमा थी, the devil saw the glory and he was jealous. और शैतान ने उसकी महिमा को देखकर वो जो है बिल्कुल जल उठा, जलन में था. And the devil deceived Adam. और शैतान ने जो है आदम को धोखा दिया. So Adam lost his glory. और आदम जो है उसकी महिमा को खो दिया. That's why women have a corruptible body. इसलिए जो है मानव के पास जो है एक भ्रष्ट प्रकार की शरीर है. Everything in this earth got corrupted. और जो कुछ इस संसार में है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है. But when God restored mankind, लेकिन जब परमेश्वर ने मानव जाति की पुनर्स्थापना की, He sent Jesus to His fallen creation. और जो सृष्टि का जो है भ्रष्ट हो चुका था उसके लिए यीशु मसीह को भेज दिया. And He shed His blood on the cross. और क्रूस के ऊपर अपने लहू को उसने बहाया. He came as He humbled Himself as a man. वो एक मानव के रूप में दीन बनकर इस संसार में आया. And He restored all of us back to the glory of God rather than the glory of Adam what God has given him before. और जो मानव जाति जो है पाप में गिर के भ्रष्ट हो चुकी थी आदम की महिमा में नहीं लौट आया, लेकिन यीशु मसीह के कारण जो है परमेश्वर की महिमा उस स्तर में जो है उसने उसको लेके आया. So now as you thought that you have lost what you had before, अगर अभी आप सोच रहे कि जो कुछ आपके पास पहले था अभी वो नहीं है, God is going to restore you back to even more glory. परमेश्वर जो है आपको फिर से सब लौटाएगा, इवन पहले से महिमा में बढ़कर. What a wonderful manufacturer we have. देखिए कितना अच्छा श्रेष्ठ निर्माता हमारे पास है. So no matter what you are going through now, hope that God will restore you back to even more glory. अभी आपकी परिस्थिति कितना विषम हो, कैसे भी हो, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी पहले जो महिमा थी उससे बढ़कर फिर से आपको लौटाएगा. You may be thinking that I am a man on this earth and God is in heaven. How can He answer my prayers? आप ऐसा सोच सकते कि मैं तो केवल मानव में हूँ, मैं संसार में हूँ, परमेश्वर स्वर्ग में है, मेरी प्रार्थना का जवाब वो कैसा दे सकता है? Let's turn to 2 Corinthians chapter 4. आइए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री चौथा अध्याय को खोलेंगे. Let's read from verse 6. आइए छठवें वचन से पढ़ेंगे. For God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts. To give the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. इसलिए कि परमेश्वरी है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो. Now initially it talks about the ability of God. और यहाँ पे जो है परमेश्वर क्या कर सकता है उसकी योग्यता के बारे में बताया गया है. He says, for God who commanded the light to shine out of darkness. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अंधकार में से ज्योति चमकने के लिए आज्ञा दी है. Darkness is not a problem to God. और अंधकार जो है परमेश्वर के लिए कोई समस्या नहीं है. He can command the light to shine out of darkness. और वो जो है अंधकार में जो है ज्योति को चमकने के लिए आज्ञा देता है. What is a problem to The mankind is not a problem to God. और मानव जाति के लिए जो समस्या है वो समस्या परमेश्वर के लिए नहीं है. What is not under your control is a problem to you. और जो स्थिति आपके नियंत्रण नहीं है आपके जीवन में वो आपके लिए समस्या है.
But God is almighty and all powerful and he can control all things till now. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, उसके नियंत्रण में आपके जीवन है और वो आपके जीवन को जो है नियंत्रण कर सकता है. And he has that power forever and ever. और उसके पास ये सामर्थ्य हमेशा हमेशा के लिए बना है. So our God, he can command light to shine out of darkness. तो हमारा जो परमेश्वर है अंधकार में ज्योति जो है वो बनाता है, ज्योति को आज्ञा देता है चमकने के लिए. Now this God want to give us that knowledge to us. और यही परमेश्वर जो है, यह जो ज्ञान है वो हमें देना चाहता है. How can God give that knowledge to us? और किस तरह से यह ज्ञान परमेश्वर हमें देगा? Let's read verse 7. आइए हम सातवें वचन को पढ़ेंगे. But we have this treasure in earthen vessels. परंतु हमारे पास वह धन की मिट्टी के बर्तनों में रखा है. Now God is now transferring this ability to man. और परमेश्वर के पास जो योग्यता है वो मानव जाति को वो दे रहा है. We have this treasure in the earthen vessels. और हमारे पास जो है ये सब कहां पे है? धन की मिट्टी के बर्तनों में है. So how did God transfer this ability of his of turning darkness into light to man? और किस तरह से जो है अंधकार में ज्योति चमकने का जो ज्ञान है वो मानव को दे सकता है? He sent his son. उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा. If you believe in Jesus, अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं, Lord will deposit this ability in that person. और ये जो ज्ञान है परमेश्वर उस व्यक्ति के मन में जो है जमा करता है. So every believer has the ability to command light out of darkness. इसका मतलब है कि हर एक विश्वासी जो यीशु पे विश्वास करता है उसके पास ये योग्यता है कि वो आज्ञा दे सकता है कि अंधकार में भी ज्योति को चमक सके. So having Jesus on this earth, इसलिए यीशु मसीह को अपने जीवन में जो रखते हैं, is not just to go to heaven, केवल स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है, is not just to become a religious person, केवल एक धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए नहीं है, you get some ability, हमारे पास किसी योग्यता को हम पाते हैं, transform from God to ourselves, और परमेश्वर के पास से वो योग्यता हमारे पास आई है. So believing in Jesus is not just a religious ceremony, but it's a transfer of the power from God to man. तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जो है ये कोई धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो उसके पास से हमारे पास आता है. So believing in Jesus makes us deposit the ability of God into this earthen vessel called man. यानी हम देखेंगे कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो है हम ये मिट्टी की जो मानव जाति है परमेश्वर के पास से उस योग्यता को हम पाते हैं. So why is God giving us this ability? तो परमेश्वर ये योग्यता को क्यों दे रहा है हमको? Because he knows that there is a devil and he wants to make our life dark. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि संसार में शैतान है और शैतान क्या चाहता है कि वो हमारे जीवन में अंधकार को करना चाहता है. So now you can command it and turn it into light in Jesus' name. इसलिए आप अभी यीशु के नाम से उस अंधकार को जो है नाश कर सकते हैं, अंधकार में ज्योति को लेके आ सकते हैं. So you can turn around your darkness into light. तो इसलिए आप में जो अंधकार है उसको आप ज्योति में बदल सकते हैं. And you can help others also turn their darkness into light by Jesus. इसलिए यीशु के द्वारा आप दूसरों के जीवन में भी जो है उनके जीवन में जो अंधकार है उसको जो है ज्योति में बदल सकते हैं. Now let's read this verse 7. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. आइए चौथा अध्याय उसका सातवें वचन को पढ़ेंगे. But we have this treasure in our earthen vessels that the excellency of power may be of God and not of us. परंतु हमारे पास यह धन की मिट्टी के बर्तनों में रखा कि असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वदन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे. That means God wants to show his ability through his believers on this earth. यानी परमेश्वर अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य जो है उसके विश्वासी उसकी कलीसिया के द्वारा वो दिखाना चाहता है. So turning darkness into light, that ability is God's ability is being transferred to man through Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा जो है अंधकार को ज्योति में बदलना जो है ये परमेश्वर की इच्छा है और वही सामर्थ्य जो है वो योग्यता आज वो हमें दे रहा है. So now Paul explains how that ability works in man in the rest of the verses. और जो इसके बाद के पदों में पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि वो जो योग्यता है वो सामर्थ्य हमारे जीवन में कैसा काम करता है उसका विवरण यहाँ पे कर रहा है. Let's read verse 8. आइए आठवें वचन को पढ़ेंगे. We are troubled on every side. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं. Yet not distressed. लेकिन संकट में नहीं पड़ते. Look at that. इसको देखिए आप. How can you have trouble on every side and still not distressed? और आपके चारों तरफ जो है क्लेश है, लेकिन आपके जीवन में समस्या नहीं है, संकट नहीं है. ये कैसा हो सकता है? How is it problem? You have problem in your body,
outside your body, in your family, outside your family, everything problem and how can you not be destroyed? और आपके शरीर में बीमारी है, आपके परिवार में समस्या है, आपके परिवार के बाहर समस्या है, समस्या ही समस्या है, लेकिन आपके जीवन में संकट नहीं है, आप उससे बाहर आ रहे हैं. How can you not be distressed when you have problem on every side? और आपके चारों तरफ से जो है आपके जीवन में समस्याओं का भंडार है, लेकिन आप परेशानी में नहीं है. How is this possible? और ये कैसा हो सकता है? Because God has put an ability in you to turn the darkness into light through Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा जो है वो सामर्थ्य दिया है, वो योग्यता दिया है कि अंधकार को जो है ज्योति में बदल सके. So you can turn the problem of every side into a glory. इसीलिए आपके चारों तरफ जितने भी समस्या है उन समस्याओं को जो है आप महिमा में जो है बदल सकते हैं. Now every believer that is going through a very danger problem on every side. और जितने भी विश्वासी लोग हैं आपके जीवन में अगर परिस्थिति ठीक नहीं है, भयंकर परिस्थिति है, तो क्या होगा? No matter how dangerous that problem is. शायद वो परिस्थिति कितना बढ़ के है या विषम है. You have that ability to turn that into light. आपके पास ये योग्यता सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है कि उस अंधकार को आप ज्योति में बदल सके. So from today that problems will start going away. और आज से जो है वो समस्या धीरे धीरे से चले जाएंगे. Because you have the ability to turn the darkness into light. क्योंकि आपके पास ये योग्यता है कि उस अंधकार को बदलने की शक्ति है. Now rise up and now be bold and stand. अभी आप उठ खड़ा हो जाइए, धीरज में लाइए, सामर्थ्य बनिए और खड़े रहिए. God has also imparted his ability into you through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उसकी सामर्थ्य जो है आप में भर दिया है. That's why he says we are troubled on every side yet not distressed. इसीलिए यहाँ पे लिखता है कि हम चारों तरफ से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते. And he says we are perplexed but not in despair. पर हम निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते हैं. That means they are confused. यानी हम लोग जो है वहाँ पे विचलित होते हैं. They don't know what to do. हमें क्या करना है वो लोग नहीं जानते. They are perplexed. वो लोग जो है बिल्कुल विचलित है. There is no solution in any problem. और कोई भी समस्या का जो है समाधान वहाँ पे नहीं है. In the world system. और ये जो है संसार की जो पद्धति है. But they are not in despair. लेकिन वो लोग जो है निराशा में नहीं है. Why? They have the ability to turn that hopeless situation into hope. क्योंकि उनके पास जो है आशाहीन परिस्थिति को जो है आशा में बदलने की योग्यता उनके पास है. So people watching you will be surprised. जो लोग आपको देखते हैं वो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. How did he come out? ये जो है उस समस्या से बाहर कैसे आया? Many people got stuck. और बहुत से लोग इसमें जो है वही रह जाते हैं. They were destroyed. वो लोग जो है नाश हो गए हैं. Why is this person still surviving? ये व्यक्ति अभी तक क्यों जीवित है, किस तरह से सफलता पाया है? So it's not your ability but God's ability manifesting through you. ये जो है आपकी योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर की योग्यता सामर्थ्य आपके जीवन में दिया है. That's how God will glorify through you. इसीलिए परमेश्वर आपके द्वारा वो महिमा को पाता है. So today all the viewers are using this ability of turning darkness into light and glory and give glory to our Lord Jesus. इसीलिए जो है आज जिसने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका जो अंधकार में परिस्थिति है उसको ज्योति में बदलिए और परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए. Let's read verse 9. आज हम नवे वचन को पढ़ेंगे. Persecuted but not forsaken. सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते. Cast down but not destroyed. गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते. You are persecuted. आपको जो सताया गया. But the Lord is going to comfort you back. लेकिन परमेश्वर जो है आपको सांत्वना देना है. Maybe you are cast down. आपको जो गिराया गया है. But not destroyed. लेकिन आपका नाश नहीं हुआ है. If somebody would have fallen, they would have destroyed. अगर कोई व्यक्ति नीचे गिरा है तो वो लोग उसका नाश कर देते हैं. But you are not destroyed. लेकिन आपका नाश नहीं हुआ है. Why? क्यों? Because there is a treasure in you. क्योंकि आपके पास जो है एक जो खोज आपके पास है. This treasure will turn the darkness into light. और ये जो ज्ञान आपके पास है वो अंधकार को जो है ज्योति में बदलता है. Maybe because of your problems you are cast down. शायद आपके पास जो समस्या है उनसे आप नीचे गिराए गए हैं. You thought you would be destroyed. और आप सोचेंगे कि मेरा भी नाश होने वाला है. But you have seen that you are never destroyed. और आपने देखा है कि आपका नाश अभी तक नहीं हुआ है. You have a treasure in your earthen vessel. आप जो मिट्टी के बर्तन है आपके पास जो है परमेश्वर की असीम कृपा सामर्थ आपके पास है. So believing in Jesus has transferred the ability of God into this earthen vessel. इसका मतलब है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से परमेश्वर का जो योग्यता है सामर्थ है वो आप में वो दे रहा है. So all the viewers. So जितने भी दर्शक है. No matter what you are going through. अभी आपकी कोई भी परिस्थिति हो. Some people are thinking that there is problem on every side. कुछ लोग सोचते हैं कि चारों तरफ से जो है समस्या ही समस्या है. This is time to manifest
the power in you to come out. इसलिए अभी जो है ये समय है कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो आप में है उसको सब लोगों को दिखाया जाए. As faith is rising in you, अभी विश्वास का स्तर आप में बढ़ रहा है. You will see every darkness turn into light. और आप देखेंगे कि जो अंधकार आपके चारों तरफ है वो ज्योति में बदल रहा है. And these are not just words to comfort you. और ये जो है केवल सांत्वना देने के वचन नहीं है. This will release power in you to turn every darkness into true light. और ये जो वचन है आप में सामर्थ्य बढ़ता है कि अंधकार में स्थिति को जो है ज्योति में बदल देता है. That unbearable pain is turning into healing testimony. और जितना भी बड़ा दर्द है जिसको हम सही नहीं कर सकते हैं वो दर्द को जो है परमेश्वर चंगा करके एक गवाह के रूप में निर्माण कर रहा है. Every fear that you have been troubling will turn into faith. जो डर से आप गुजर रहे हैं वो डर के स्थिति से परमेश्वर बाहर निकालकर विश्वास की स्थिति में लेके आ रहा है. Every long term worry that you have worried about is turning into joy. और अभी तक आप जितने चिंता में थे आप चिंता में है उस चिंता को बदलकर परमेश्वर आनंद में लेके आ रहा है. I now pray and agree with you. अभी मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके साथ सहमत हो जाता हूँ. No matter what you are going through, आपकी स्थिति कैसे भी हो, God, if you are a believer of Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वासी है, you got an ability to turn the darkness into light. आपके पास ये सामर्थ्य है, योग्यता है कि उस अंधकार को ज्योति में बदलने का. This is God's ability. ये जो है परमेश्वर की योग्यता है. He has given to mankind. उसने जो है मानव जाति को दिया है. Through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा. So cross is an enormous power transfer from God to man. इसीलिए क्रूस जो है एक ऐसे स्थान पे है परमेश्वर के पास से सामर्थ्य को जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. Right now, as you say these words after me. और अभी जो है मेरे पीछे आप इन वचनों को दोहराइए. The power in you will come out and turn your darkness into light. और आप में सामर्थ्य आएगा और जो अंधकार की स्थिति है उसको ज्योति में बदल देगा. All the viewers who are thinking that they are stuck in one problem or the other. और जितने भी दर्शक सोच रहे कि हमारे पास बहुत सी समस्या है और इसी समस्या में डूब गए हैं. Say these words with me. और ये वचन मेरे पीछे बोलिए आप. In the mighty name of Jesus Christ. नासरी यीशु मसीह के नाम से. I command. मैं आज्ञा देता हूँ. All my problems. मेरे सारी समस्याएं. To turn into solution. और उन सारी समस्याओं को जो है सुलझा गया है. In the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से. I command. मैं आज्ञा देता हूँ. Every dark situation of mine. हर एक अंधकार में स्थिति जो मेरी अभी है. To turn into light. और वो जो है ज्योति में बदल रहा है. As you are speaking. जब आप बोल रहे हैं. The power in you is going to rise up. जो सामर्थ्य आपके जीवन में है वो अभी बढ़ रहा है. And turn every situation. और हर एक स्थिति को बदल रहा है. Which has been troubling you. और जो अभी तक परेशान कर रहा है. Into a comfortable position. आपको जो है आरामदेह स्थिति में लेके जा रहा है. What a mighty God we serve. और कितने महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं. That while we are on this earth, he has given us this ability. और इस संसार में हम लोग जीवन जी रहे हैं उसने ये सामर्थ्य और योग्यता हमें दिया है. So that we can keep turning every darkness into light till we enter into his kingdom. और जब तक हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक जो है हम हर एक अंधकार में स्थिति को ज्योति में बदलने की सक्षम शक्ति उसने हमें दिया है. So as you are listening to your words, जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, these words are from God himself. और ये जो संदेश है वचन है परमेश्वर के द्वारा है. Because the Bible says that the word was God. क्योंकि बाइबल कहते हैं कि वचन परमेश्वर है. So right now you are not a weak person. अभी जो है आप एक कमजोर व्यक्ति नहीं है. You don't need to give up. आपको जो है हियाव नहीं छोड़ना है. No matter how horrible your situation is. आपकी परिस्थिति कितना भयंकर हो. You got an ability to turn that situation into light. आपको ऐसा स्थिति में कि उस स्थिति को बदल सकते हैं. Put your right hands where you are sick. जहाँ कहीं आप बीमार है आपका दाएं हाथ रखिए. Father in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह जी. Right now I pray. मैं अभी प्रार्थना करता हूँ. That every dark situation be turned to light. हर एक अंधकार में स्थिति को ज्योति में बदलने की आज्ञा देता हूँ. Every sickness be uprooted in Jesus name. हर एक बीमारी को जो है जड़ से निकालने की आज्ञा देता हूँ. Every horrible horror they have been going till now, let it be turned into complete comfort. कितना भी भयंकर स्थिति से वो लोग गुजर रहे हैं वो लोग आरामदेह स्थिति में जो है वो लोग आ रहे हैं. फादर डिलीवर एवरीवन फ्रॉम एवरी डार्क सिचुएशन. पिता परमेश्वर हर एक अंधकारमय परिस्थिति से हर एक व्यक्ति को आप छुटकारा दीजिए.
Let them know that they have power from God. और उन्हें ये जानने की शक्ति दीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य उनमें है. Let people around them know that this is from God. जितने लोग उनके चारों तरफ है वो लोग जान सके कि परमेश्वर के द्वारा ये हो रहा है. Thank you for giving such ability to us through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा ये सामर्थ्य और योग्यता आपने दिया है. हम आपका धन्यवाद करते हैं. That your ability of turning darkness to light. और आपकी जो योग्यता है जो है वो अंधकार को ज्योति में बदल रहा है. Has been transferred to us. और वो जो है हम में आया है. Through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा. Right now transfer everyone's every viewer's darkness. अभी जो है जितने भी दर्शक है उनके जितने भी अंधकार में परिस्थिति है उसको ज्योति में हम लोग बदल रहे हैं. In Jesus mighty name. नासर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. प्रशांत कुमार जी, 4 साल के बाद लड़की से आशित हुई है. अभी 2 महीने हुए पास्टर जी. कहाँ पे? घर में है क्या? ठीक है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आशीष दे. प्रिसला जी, 9 साल के बाद ये गर्भवती हुई है, क्या बात है? इनका गर्भाशय छोटा था. आप कहाँ से आई हो? जाफरगुड़ा से जी. जाफरगुड़ा यहाँ पास में है ना? गुडमलकापुर के पास. गुडमलकापुर, ठीक है. आपने कितना फल खाया? मैं 2 फल खाए जी. अमरुद, सेब. अमरुद खाने के बाद मुझे पुष्टि हुआ जी. अमरुद खाने के बाद पुष्टि हो गया? हालेलुया. लेकिन मैं गवाही नहीं दिया जी. यानी अमरुद का फल खाने के बाद आपका गर्भाशय बढ़ गया? ऐसा महसूस हुआ जी. क्या बात है. वो अमृत फल खाने के बाद इनका गर्भाशय बढ़ गया करके इन्हें महसूस हुआ? उल्टिया भी हुआ जी. क्या उल्टिया हुआ जी? उल्टी भी होता था क्या? ठीक है, प्रभु आपको आशीषित किया. रविवार हमारी आराधना और चंगाई प्रार्थना. हमारी पहली तेलुगु आराधना क्रिस्टल गार्डन्स मेहदीपट्टनम में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक. हमारा पता है क्रिस्टल गार्डन्स, PVNR फ्लाईओवर, पिल्लर नंबर 86, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद. हमारी दूसरी तेलुगु आराधना VBR गार्डन्स अलवाल में शाम 5 बजे से 7 बजे तक. हमारा पता है VBR गार्डन्स, इंदिरा गांधी मूर्ति के पास, ओल्ड अलवाल, सिकंदराबाद. आपकी प्रार्थना विनती के लिए हमें संपर्क करें. हमारे नंबर 09701990096, 09701990097, 09701990098. अधिक जानकारी के लिए 0404747484848. हमारा वेबसाइट www.jcnm.org.